आया पहली बार। अच्छा रेंजर पहली बार आया यहाँ पे, पहली बार आया है। एक टावर आ रहा है, अच्छा स्केटिंग कार आ रही है, अच्छा बाकी टोरा लगा है और भी तमाम झूले यहाँ पे लगे हैं। अच्छा इस बार इतनी चीजें पहली बार आ रही है यहाँ पे, चार झूले जो है पहली बार आ रहे हैं रामनगरिया में। एक बुलेट चलेगी, तीन बाइक मोटरसाइकिलें चलेंगी यामाहा, अच्छा और दो 800 कार चलेंगी। अच्छा एक ही मौत के कुएं में एक साथ इतनी चीजें साथ में चलेंगी, एक समय में 6 गाड़ी चलेंगी। अच्छा 6 गाड़ी का एक साथ कंपटीशन होगा, अच्छा इसमें एक लेडीज राइडर भी होगी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सोके सोके सोके। तो गाइस आप सामने देखिए, इस बार मेला रामनगरिया में आ रहा है, बॉम्बे सर्कस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप अभी देख रहे होंगे गंगा जी का जल स्तर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है वापस से आपका मेला रामनगरिया के एक और कमाल के वीडियो में। गाइस आज है 16 जनवरी 2022 और कल से मेला रामनगरिया का उद्घाटन होने वाला है, यानी कल से मेला शुरू हो जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मेला रामनगरिया में क्या स्पेशल है इस बार। आप अगर मेला रामनगरिया आएंगे तो आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे यहां पे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और बाकी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या तैयारियां अब तक हो चुकी हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, पीछे बहुत सारे झूले भी हैं जो असेंबल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो कल्पवासी होते हैं, एक महीने के लिए यहाँ पे रहते हैं, उन लोगों ने भी अपनी यहाँ पे झोपड़ियाँ अच्छे से लगा ली हैं। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं चलता हूँ आगे, आपको दिखाता हूँ सारा कुछ, आप बने रहिए इस वीडियो का एंड तक। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप अंदर आएंगे यहाँ से मेला स्टार्ट हो जाता है, और अभी आप देख रहे होंगे बहुत से दुकान वाले हैं वो अपने शॉप्स की तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको लेफ्ट की तरफ जहाँ पे हमारा एडवेंचर एरिया है, यानी जहाँ पे झूले लगते हैं, इसके अलावा यहाँ पे सर्कस लगते हैं, सारा कुछ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। रेंजर आया पहली बार, अच्छा रेंजर पहली बार आया यहाँ पे, पहली बार आया है। एक टावर आ रहा है, अच्छा स्केटिंग कार आ रही है, अच्छा बाकी टोरा लगा है और भी तमाम झूले यहाँ पे लगे हैं। अच्छा इस बार इतनी चीजें पहली बार आ रही है यहाँ पे, चार झूले जो है पहली बार आ रहे हैं रामनगरिया। चलो अच्छा है। अच्छा पिछली बार सर्कस भी कोई दूसरा था, इस बार ये लग रहा है बॉम्बे सर्कस, सर्कस भी दूसरा आया इस बार। एक बुलेट चलेगी, तीन बाइक मोटरसाइकिलें चलेंगी यामाहा, अच्छा और दो 800 कार चलेंगी। अच्छा एक ही मौत के कुएं में एक साथ इतनी चीजें साथ में चलेंगी, एक समय में 6 गाड़ी चलेंगी। अच्छा 6 गाड़ी का एक साथ कंपटीशन होगा, अच्छा इसमें एक लेडीज राइडर भी होगी। अच्छा जी वो भी 21 तारीख में लेडीज राइडर भी आ जाएगी। चलो अच्छा है। तो गाइस यही है मौत का कुआ, इस बार स्पेशल ये है कि 2-स्टोरी से बनाया जा रहा है, और इसके अलावा इस बार यहाँ पे बुलेट भी चलने वाली है इसके अंदर। और अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ और क्या क्या है यहाँ पे। तो गाइस अभी सामने आप देख रहे होंगे जो असेंबल किया जा रहा है ये है टोरा टोरा, और टोरा टोरा में देखिए आप, अभी ऊपर कोई सीट तो लगी नहीं है, बस नीचे का फ्रेम ही कम्प्लीट किया गया है। तो गाइस आप सामने देखिए, इस बार मेला रामनगरिया में आ रहा है बॉम्बे सर्कस, और सर्कस का भी काम है वो 80% तक आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए अंदर और काम चल रहा है असेंबल करने के लिए, और मैं अंदर आपको थोड़ा दिखाने का ट्राई करता हूँ। वो आपको सामने की तरफ दिख रहा होगा कम हाइट में, ये है जोकर यहाँ का छोटा। तो अभी जब ये रेडी होंगे अपने कॉस्ट्यूम में उसके बाद ये देखने लगेगा कि हाँ ये जोकर है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ भूतिया गुफा की तरफ, यहाँ पे कुछ वर्कर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं भूतिया गुफा में। तो भैया क्या नाम है इस चीज का जो बन रही है यहाँ पे, भैया भूत बंगला। अच्छा भूत बंगला है ये, अच्छा तो कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, ये हमारा 2 दिन लगेगा। तो गाइज इस बार मेला रामनगरिया में स्पेशल ये है कि यहाँ पे बहुत सारे जो झूले हैं वो डबल डबल लगाए जा रहे हैं, यानी जो आसमानी झूला होता है वो भी 2 लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे टोरा टोरा है वो भी लगाया जा रहा है, इसके अलावा जो नाव वाला झूला होता है वो भी 2 लगाए जा रहे हैं। काफी कुछ यहाँ पे स्पेशल है इस बार, आप 2-3 दिन बाद अगर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप सारे झूले हैं वो कम्प्लीट हो जाएंगे। और गाइज अभी आप पीछे जो देख रहे होंगे ये है ब्रेक डांस, ब्रेक डांस का भी सामान यहाँ पे पड़ा है, ये भी असेंबल किया जा रहा है, आई थिंक ये भी 1-2 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइस अभी मैं चलता हूँ आगे, आपको पुल के उस तरफ दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं और क्या क्या वहाँ पे अभी तक कंप्लीट हो गया है। तो गाइस अभी जो आपने देखा वो पूरा था एडवेंचर एरिया, यानी वहाँ पे बहुत सारे झूले लगते हैं और सर्कस लगता है, काफ़ी कुछ है वहाँ पे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे फूड की स्टॉल्स लगती हैं और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हैं, और इसके अलावा जो भी मेले में चीज़ें हम खरीदते हैं वो इस तरफ लगती है। ये आप देखिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है सारे, और ये आगे हमारा पांचाल घाट का ओवर ब्रिज, और जस्ट इसके इस तरफ ही ये सारी शॉप हैं वो स्टार्ट हो जाती है। भैया काय की दुकान लगा रहे हैं आप, काय की?
अच्छा खिलौना और कॉस्मेटिक की। तो देखिए आप भैया ऊपर चढ़े हुए हैं, अपनी दुकान की तैयारी कर रहे हैं। और कब तक कंप्लीट कर लोगे इसे? शाम तक कंप्लीट हो जाएगी। चलो सही है, कल जो अच्छा माल कल इसमें लगा दोगे, सही है। कल जब उद्घाटन होगा तब से आपकी दुकान चालू हो जाएगी। ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट। तो गाइस जब आप मेले की दुकानों से आगे बढ़ेंगे आपको सामने दिख जाएंगी गंगा जी, और आप आते हैं तो आप यहाँ पे नहा भी सकते हैं गंगा जी के पानी में। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ गंगा जी के किनारे, और आप देख सकते हैं यही है गंगा जी का पवित्र पानी। जब आप मेला रामनगरिया की जो भी दुकानें लगती हैं उन दुकानों से थोड़ा आप आगे आएंगे तो गंगा जी का घाट आ जाता है। तो ये हमारे एक पीछे नाव वाले भैया जो नाव की सवारी कराने के लिए रेडी हैं। कल से जब मेला रामनगरिया स्टार्ट होगा तब से काफ़ी लोग आएंगे इनकी नाव पे सवारी करने के लिए। और इसके अलावा सबसे बड़ा कंसर्न अभी यहाँ का ये है कि जैसे आप अभी देख रहे होंगे गंगा जी का जलस्तर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। पीछे आप देखिए वहाँ तक पहले झोपड़ियाँ लगी होती थी, लेकिन पानी इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया उसकी वजह से इन लोगों को थोड़ा पीछे पीछे हटना पड़ा है। आप देखिए इनकी जहाँ पे नहाने की जो जगह होती है उसे काफ़ी पीछे इन्हें लेना पड़ा है। और गाइस अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा पीछे जो फ्लोटिंग ब्रिज दिखता है, इस ब्रिज का मैंने वीडियो एक अपलोड किया था। मैंने आपको दिखाया था कि पहले पानी सिर्फ वहाँ तक था, काफ़ी दूर तक पानी था, तो अभी उससे आगे आप देखिए ब्रिज यहाँ तक है लेकिन उससे आगे तक पानी आ चुका है। तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है, अगर पानी कम हो जाता है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो इन लोगों को और ज़्यादा पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए पीछे वो पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है वो फावड़े से मिट्टी और बालू है उसे लगा रहे हैं ताकि उनके पास में पानी ना जाए। और गाइज अगर आप मेला रामनगरिया आते हैं तो कोविड गाइडलाइंस का जरूर पालन करिए, क्योंकि अगर आप मास्क सैनिटाइजर्स का यूज़ करेंगे, लोगों से डिस्टेंस बना के रखेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे, लोग भी सेफ रहेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ओमिक्रॉन का कुछ ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, तो आप कोविड गाइडलाइंस का जरूर पालन करिए। बाकी आप मेला आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस बार लगा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुकानें आई हैं, बहुत सारा कुछ बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। आप आइए यहाँ पे, डेफिनेटली आप इन्जॉय करेंगे। तो फाइनली गाइज यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिए जिससे वो लोग भी गंगा जी के दर्शन कर पाएं। और गाइज अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।